एवरीवन, आज हम पार्ट कौन सा पार्ट करने वाले हैं? प्रथम पुरुष। और पार्ट कौन सा है आपका? चैप्टर 5 ना, ठीक है। और पिछले बार हमने कौन सा पढ़ा था? 4 चैप्टर, चैप्टर 4। आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे, ठीक है। पार्ट का आपका नाम है सह कह अस्ति, ठीक है। सह का मतलब होता है वह, कह का मतलब कौन, अस्ति का मतलब है, ठीक है। सह का मतलब वह, कह का मतलब कौन और अस्ति का मतलब है, ठीक है, कि वह कौन है। क्लियर। यह है हमारा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष सहतो ते, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित यानी कि मौजूद नहीं है, ठीक है। किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। त्रिशु, त्रिशु लिंगेशु, त्रिशु का मतलब होता है तीनों, लिंगेशु लिंगों में, जो हम पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो आज हम प्रथम पुरुष पढ़ेंगे और उसमें जिक्र आएगा सह कह अस्ति की वह कौन है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब है इससे संबंधित हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। देखो वर्ड मीनिंग करेंगे, ये हमारे क्या है? शब्दार्थ है, ठीक है। देखो, ठीक है, शब्दार्थ है ये, उस पाठ के शब्दार्थ है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि चैप्टर हमारे यानी कि पाठ इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से हम उसको समझ सके। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ रिवाइज करेंगे, ठीक है। संस्कृत दे रखी है, फिर हिंदी दे रखी है और फिर अंग्रेजी, ठीक है। तीनों को देखकर आप पता लगा लोगे कि इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। क्लियर। सह, सह का मतलब वह एक, ठीक है, वह एक कन्या, एक लड़की, कुकर है, किसको बोलते हैं? कुत्ता, ठीक है। कमले, और कीड़त है, दो खेलते हैं। पतत है, देवहा, विकसन्ति, खिलते हैं, कूजन्ति, सिंघा, अनेक सिंह, यानी कि यह बहुवचन में है। के कौन, पुल्लिंग बहुवचन में, ठीक है। पतन्ति, गिरते हैं, गिरते हैं, ठीक है। सा, वह, एक लड़की के लिए, ठीक है, एक वचन के लिए। बालहा, अनेक लड़कियां। शशांक है, चंद्रमा। इस्त है, दो है। महिले, दो महिलाएं। चक्रे, दो चक्र। संति, अनेक चक्र, यानी कि अनेक हैं। भ्रमंती, घूमते हैं, ठीक है। और कुर्वंती, करंती, कोकिला, भ्रमरा, भौरे, यानी कि भौरे, अनेक भौरे। गर्जंती, गरजते हैं। अभी हमने क्यों रिवाइज किया इनको? क्योंकि इससे हमें चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। करें स्टार्ट, ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम चैप्टर करते हैं, ठीक है, कि भाई प्रथम पुरुष क्या होता है, सह कह अस्ति क्या है ये, ठीक है। तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता
ठीक है। कर्ता के पुरुष एवं वचनानुसार, वचनानुसार का मतलब है वचनों के अनुसार, वचनों के अनुसार। लिसन, सुन रहे हो? ठीक है। क्रिया के काल, काल यानी कि समय, ठीक है, का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं। संस्कृत में जो काल, सॉरी हिंदी में जो काल होता है वो संस्कृत में क्या होते हैं भाई? लकार। उनको हम लकार कहते हैं, ठीक है। हिंदी में काल कहा जाता है, समय भी कहा जाता है, और संस्कृत में क्या कहा जाता है? लकार। क्लियर। जिनमें धातु रूप चलते हैं, जिनसे हमारे क्या चलते हैं? धातु, धातु की क्रिया का जो रूप चलता है, जैसे पट्टी पट्ट पठंती, पटसी पट्ट पठत, पठामी पठाव पठाम। क्लियर। अब देखो, संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों के रूप में किया जाता है, जो हमारे तीन पुरुष होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर, ठीक है, आया समझ में? यानी कि पुरुष हमारे कितने होते हैं? कौन कौन से? क्लियर, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है प्रथम पुरुष, यानी कि पुरुष हमारे कितने प्रकार के हैं? तीन, ठीक है। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब, ठीक है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, युयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और युयम का मतलब तुम सब। डन। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब, ठीक है, कि अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब, ठीक है। अब हमें पुरुष की जानकारी हो गई, हमें पता लग गया कि हमारे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल भी यानी कि उदाहरण भी क्या है साथ में दे रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक पुरुष के कर्ता एवं क्रिया के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। वचन हमारे कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो टोटल वचन कितने हुए? तीन। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब है वचन, अब देखना, वचन हमारे तीन है। एक वचन काक है, उड़ियति, काक है उड़ियति, कौवा उड़ रहा है या कौवा उड़ता है। द्विवचन काको उड़ियत, दो कौवे क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। काको है यहाँ पर क्रिया है, काको कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी किसमें होगी? द्विवचन में। द्विवचन है ना ये, ठीक है, कि दो कौवे, कितने कौवे हैं? दो, दो। एक में, एक वचन में एक ही आएगा ना, ठीक है, कि एक वचन क्या होता है? जिसमें एक वस्तु का क्या हो? बोध हो, ठीक है, और द्विवचन जिसमें हमें दो का बोध हो, वो द्विवचन कहलाता है। अब है हमारा बहुवचन, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन, बहुवचन कहलाते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, काका हा उड़ियंती, अनेक कौवे उड़ रहे हैं, अनेक कौवे उड़ रहे हैं या अनेक कौवे उड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। अब है प्रथम पुरुष, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का हम कैसे उपयोग करेंगे, इसके अंदर कैसे हम यूज आना चाहिए? जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है, ठीक है।
आप और हम किसी अन्य के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पुरुष कहलाएगा? प्रथम पुरुष कहलाएगा ना, ठीक है। और वो हमारे बीच में उपस्थित भी नहीं होता क्योंकि मौजूद नहीं है, तभी तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रथम पुरुष कहलाता है। लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के अंत में, यानी कि हम उन वचनों का जब प्रथम पुरुष के तीनों रूप बनाते हैं तो उसके वचनों के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के अंत में ती ते अंति जोड़ देते हैं। अब देखो ये जोड़ रखा है हमने दोनों उधर, ठीक है। क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के अंत में ती ते अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं, अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने समझाया है, अब यहां पर क्या लगा हुआ है भाई? लास्ट में लगा हुआ है ना धातु के साथ। धातु हमारी क्या है? ऊर्ध धातु है, उसमें हमने क्या लगाया है? ती। उसी प्रकार यहाँ पर ते और यहाँ पर अंति, ये प्रत्यय लगाए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब ती ही ते है, अंति ही उड़ियती, उड़ियते उड़ियती, यानी कि इनको, इन प्रत्ययों को हम कहाँ लगाएंगे? धातु के पीछे। क्लियर? धातु के पीछे लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आ गया सेंटेंस, ये है देखो, पढ़ती ही पढ़ते हैं पठन आ गया ना। और ये कौन सा पुरुष चल रहा है हमारा? प्रथम पुरुष, ठीक है। ये हमारा कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। डन, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस चित्र के माध्यम से हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से कि भाई इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। कर्ता के रूप तीनों में अलग अलग चलते हैं। तीन जो हमारे क्या है? वचन है, उनमें अलग अलग चलते हैं, लेकिन क्रिया तीनों में समान ही रहती है। क्रिया तीनों में कैसी रहती है? समान, एक जैसी रहती है वो, ठीक है। अब है हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये क्या लिखा हुआ है? पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग से हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यानी कि पुल्लिंग को हम देखकर बता लेंगे ही कि हम कौन सी जाति के बारे में बात कर रहे हैं? पुल्लिंग जाति के बारे में, यानी किसी के पुरुष के बारे में। अब यहाँ पर है सह कह अस्ति। सह का मतलब क्या बताया मैंने? वह। कह का मतलब कौन, यही था ना। अस्ति का मतलब है, क्या बन गया? वह कौन है, ठीक है। सेकंड है सह बाल है अस्ति। वह बालक है। अस्ति का मतलब सह का मतलब और बालक का मतलब बालक या लड़का। तो क्या बना सेंटेंस? वह बालक है। क्लियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कि वह कौन है, तो क्या बताया कि वह तो बालक है। उसके बाद है सह सक्षम है अस्ति। वह सक्षम है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सक्षम। सह, सह का मतलब सक्षम, सक्षम। अस्ति का मतलब है। वह, वह सक्षम है। यस, सक्षम इसका नाम है। क्लियर, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन क्या ना, आप में से किसी का क्वेश्चन करे कि वह कौन है, तो आप में से कोई कह दे, क्या कह दे कि वह तो बालक है, तो फिर पूछा जाता है ना बालक है तो ठीक है कोई तो नाम होगा, तो क्या कहेंगे? वह तो सक्षम है, ठीक है।
या वह तो मयंक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। क्लियर? अब है स्त्रीलिंग से हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। ठीक है, अब स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर सा का मतलब क्या है? वह। का का मतलब? अस्थि का मतलब? तो क्या बन गया? वह कौन है? ठीक है, उसके बाद है सा बाला अस्थि। वेरी गुड, वह बालिका है या वह लड़की है। क्लियर? उसके बाद अब नाम भी तो आएगा ना, सा सिद्धिका अस्थि। वह सिद्धिका है। डन, आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब है हमारे पास है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग से हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? मैं तो स्त्री का और मैं ही पुरुष जाति का। ठीक है, नपुंसक लिंग से हमें बोध हो रहा है कि मैं तो पुरुष है, मैं स्त्री जाति है। ठीक है, कौन सी जाति है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, आप ये चित्र हमें किसका दिखाई दे रहा है भाई? आम। और आम क्या है? फल है, फल है ना। ठीक है, अब यहाँ पर है कतह का मतलब वह, किन का मतलब क्या, अस्थि का मतलब है, तो क्या करेंगे? वह क्या है? कतह फलम अस्थि, वह फल है। कतह आम्रम अस्थि, वह आम है। आम्रम का मतलब आम, क्योंकि हमें चित्र में देख के पता लगा कि आम्रम का मतलब क्या होता है भाई? ये आम। ठीक है, कि वह क्या है? वह फल है, वह आम है। क्लियर? यस। डन, अब देखो, अब देखिए, अब है उपयुक्त उदाहरणों में से सह बालह अस्ति, सा बाला अस्ति, ततः फलम अस्ति। इन वाक्यों में कर्ता अलग अलग है लेकिन क्रिया, क्रिया क्या है? एक है। सब में तीनों में कर्ता अलग अलग थे लेकिन क्रिया, क्रिया क्या थी सब में? अस्ति। क्रिया थी ना ये, और सब में कैसी थी? एक जैसी। और कर्ता हमारे थे अलग अलग और क्रिया एक। ठीक है, क्रिया तीनों में समान है। अब अन्य उदाहरण है इसके, देखो, बाल है लिखती, बालक क्या करता है? लिखता है। वेरी गुड, बाल है लिखती, बालक लिखता है, लिखता है। क्लियर? कुकुर है धावती, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, कुत्ता धावती यानी कुकुर धावती, कुत्ता दौड़ रहा है या कुत्ता दौड़ता है। ठीक है, धावती है, धावती का मतलब दौड़ता है। सह गजे अस्ति, वह हाथी है। सह का मतलब वह, गजे का मतलब हाथी, और अस्ति का मतलब है कि वह हाथी है। क्लियर? डन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेक्षा पश्यति। प्रेक्षा नाम है किसी का, पश्यति का मतलब देखती है वो, तो क्या आ जाएगा? प्रेक्षा देखती है। दिव्य नृत्यति क्या करती है? वेरी गुड, दिव्या नाचती है यानी कि दिव्या नृत्य कर रही है। कन्या वदती, कन्या बोलती है या लड़की बोलती है। क्लियर? मित्रम पश्यति क्या आएगा? मित्र, मित्र देखता है। ठीक है, ततः पुष्पमस्ति, वह फूल है, वह फूल है। पुष्प मतलब फूल। ठीक है, वह फूल है। पुष्पम विकसति,
फूल खिलता है। विकसति का मतलब खिलता है, यही है ना, खिलता है, ठीक है, फूल खिलता है। डन। तो ये कौन सा वचन था हमारे पास? एक वचन, ठीक है। अब देखो, एक वचन तो हमने पढ़ लिया, अब सेकंड है हमारे पास क्या है, रीड करो। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। प्रथम पुरुष कौन सा है भाई? द्विवचन है, क्लियर। अब देखो, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? प्रथम पुरुष लट लकार द्विवचन वाले वाक्यों में धातु के बाद तह, मैंने बताया था ना, तह प्रत्यय लगाया जाता है ना, ठीक है। तह क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है और रूप बनते हैं। कैसे बनेंगे देखो, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बताओ मेरे को, क्या है, किसका पिक्चर है ये? बालक, और कितने बालक है? तो वचन कौन सा है? द्विवचन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ताऊ काउ इस तरह, तव यानी कि वे, काउ का मतलब वे दोनों, दोनों कौन है? ताउ बालो इस तरह, वे दोनों बालक हैं, क्योंकि कर्ता अगर हमारा द्विवचन में है, ये कर्ता है, ठीक है, कर्ता, क्लियर। ये हमारा क्या है? कर्ता है। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी किस में है हमारी? द्विवचन में, क्लियर। कि वे दोनों कौन है? वे दोनों बालक हैं। तौ सक्षम शशांक है चय इस तरह, अब चय का मतलब होता है और, वे दोनों सक्षम और शशांक है, वे दोनों सक्षम और शशांक है। इससे हमें किससे, कौन से वचन का ज्ञान हुआ? द्विवचन, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर ये हमें किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? बालिका है ना, तो और लिंग कौन सा है? ते के इस तरह, ते का मतलब वे दोनों कौन है, क्लियर। वे दोनों कौन है? वे दोनों, वे दोनों बालिकाएं हैं, क्लियर। ते गार्गी सिद्धि का चय इस तरह, उनका नाम क्या है? वे दोनों गार्गी और, ठीक है, उन दोनों का नाम क्या है? गार्गी और सिद्धिका। तो वे दोनों गार्गी और सिद्धिका है। ते का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे, क्लियर, ठीक है, स्त्रीलिंग में। अब हमारे पास है, ठीक है, ते के इस तरह है, वे दोनों क्या है, ठीक है, वे दोनों क्या है, क्या है भाई वे दोनों? ते पुष्पे इस तरह है, वे दो, वे दो क्या है, ये फूल है, वे दोनों या वे दो कितने पुष्प है? दो, क्लियर। ते कमले इस तरह है, और किसके फूल है वो, किसके है? कमल के, ठीक है, वे किसके फूल है? कमल के हैं, कि वे दो कमल के फूल हैं, क्लियर। वे दोनों किसके फूल है भाई? कमल के हैं, क्लियर ना, आ गए सामने, ठीक है। अब देखो, उपयुक्त उदाहरणों में तव बालो इस तरह, वाक्य में तव प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति जो हमारी होती है, द्विवचन का रूप होने के कारण क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की है। इस तरह का मतलब ये हमारे पास कौन सा वचन है? द्विवचन। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में
में भी प्रयोग हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो हमने कौन सा पढ़ा भाई बताओ? प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, अब हमारे पास है प्रथम पुरुष बहुवचन पढ़ेंगे हम। क्लियर? अन्य एग्जांपल भी है, इसे देखो। अन्य उदाहरण, बालक पठत, दो बालक पढ़ते हैं। कितने बालक? दो। ठीक है, पढ़ते हैं। नरो वदत, दो मनुष्य बोलते हैं। नर का मतलब मनुष्य, तो कितने मनुष्य हैं यहाँ पर? दो। ठीक है, वदत का मतलब बोलते हैं। क्लियर? सैनिको रक्षक, दो सैनिक रक्षा करते हैं। रक्षक का मतलब रक्षा करते हैं। बालिके क्रीडत, दो बालिकाएं खेलती हैं। ठीक है, दो बालिकाएं क्या कर रही है? खेल रही हैं। कोकिले कूजत, क्या कर रही है दो कोयल? कूक रही है। ठीक है, दो कोयल कूक रही है, यानी कि वो कूजती है। महिले गच्छत, दो महिलाएं जा रही है। गच्छत का मतलब जाती है। ठीक है, कितनी महिलाएं? दो। पुष्पे विकसत, अभी बताया था मैंने, कितने फूल? दो फूल खिलते हैं। विकसत का मतलब क्या बताया था मैंने? खिलना। कितने खिलते हैं? दो। फले पतक, कितने फल गिर रहे हैं? क्योंकि द्विवचन ही चल रहा है ये हमारा। कौन सा वचन है? चक्र चलत, दो चक्र चल रहे हैं या चलते हैं। डन। ठीक है, अब हमारा प्रथम पुरुष कौन सा है? बहुवचन। रीड करो, क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन के लट लकार में धातु के बाद अंती प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? अंती। ठीक है, अंती लगाएंगे। अब ये देखकर आपको क्या पता लग रहा है कि भाई एक वचन है, द्विवचन है या कौन सा वचन है? बहुवचन। ठीक है, और कौन सी जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। पुल्लिंग ऊपर ही लिखा हुआ है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। नरः तरन्ति, नर का मतलब पिक्चर में क्या दिखाई दे रहे हैं? या मनुष्य। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य तरन्ति ही तैरते हैं। कितने मनुष्य तैर रहे हैं? अनेक। तीन नहीं कहेंगे अब, अभी बताया था मैंने, तीन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि दो से अधिक जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? बहुवचन। क्लियर? के नरा तरंती, यानी कि मनुष्य तरंती तैरते हैं, तैरते हैं। कन्या नरतंती, अब यहाँ पर पिक्चर देखकर क्या पता लग रहा है भाई कौन सी जाति का बोध हो रहा है? कन्या नृत्यंती, बालिकाएं नाच रही। ठीक है, और कितनी बालिकाएं? बहुत सारी है। ठीक है, कि अनेक बालिकाएं नाच रही। पुष्पाणी विकसंती, यह कौन सा लिंग है? इस समय पहचान हो गई ना, क्योंकि न तो पुल्लिंग है और न ही स्त्रीलिंग है। कौन सा हो गया? क्लियर? पुष्पाणि विकसन्ति, फूल एक है अनेक है? अनेक फूल खिल रहे हैं। क्लियर? अब देखो, उपयुक्त उदाहरण में नराहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का क्या है? कर्ता। कर्ता ही है ना, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की तरंती
करंती में त्रय, त्रय हमारी धातु है। त्रय का मतलब होता है तैरना। त्रय का मतलब क्या होता है भाई? तैर। धातु के साथ अंति प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल है, देखो अन्य उदाहरण, भक्तः नमंती। भक्त का मतलब होता है जो भक्त होते हैं, जो ईश्वर की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्त कहलाते हैं ना। यस या नो? यस ना, ठीक है। भक्तः नमंती, नमंती का मतलब नमस्कार करते हैं, ठीक है, नमस्कार करते हैं। और नमस्कार कौन करते हैं? भक्त, ठीक है, भक्त लोग नमस्कार करते हैं। सिंहा गर्जंती, सिंहा शेर, अनेक शेर है यहाँ पर। गर्जंती गरजते हैं, यही है ना, तो क्या आएगा? शेर गरजते हैं। बालिका भ्रमंती, बालिकाएं क्या कर रही है? घूमती है, घूमती है, ठीक है। कोकिला कूजंती, कोयल कूक रही है, अनेक कोयल ने कूक रही है, बहुत सारी है ना। कूजंती का मतलब कूकना, ठीक है ना। चक्राणी चलंती, पहिए चलंती चलते हैं या चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? चक्र, चक्रिया पहिए। कमलानी विक्षंती क्या है? अनेक कमल खिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन का तो बोध हो रहा है, ठीक है। तो अनेक कमल खिल रहे हैं। अब देखो वार्तालाप है, वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत, ठीक है। वार्तालाप का मतलब बातचीत, ठीक है, संवाद। एते है के संति, एते का मतलब ये सब, के का मतलब कौन, संति का मतलब है, यही है ना, कि ये सब कौन है। एते सैनिका संति, ये सब सैनिक है, ये सब सैनिक है, ठीक है, ये सब सैनिक है, ठीक है। संति यहाँ बहुवचन है हमारा, ठीक है, बहुवचन। एते किम कुर्वन्ती, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं। कुर्वन्ती का मतलब कर रहे हैं, ठीक है, कुर्वन्ती का मतलब कर रहे हैं, कि ये सब क्या कर रहे हैं। एते सैनिका रक्षन्ति, ये सब सैनिक, ठीक है, सैनिक रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं, या ये सब सैनिक रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कौन से पुरुष के बारे में पढ़ा आज? कौन से पुरुष के बारे में पढ़ा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? और लिंग हमारे कितने थे? कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। वचन हमारे कौन से थे? कौन सा? ठीक है, तो यानी कि आज हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा, कि उसमें हम धातु यानी कि क्रिया कैसे लगाते हैं। कर्ता तो हमारा एक होता, अलग होता है, लेकिन क्रिया हमारी एक ही होती है, ठीक है। तो याद रहेगा ना सबको ये, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।